आज एक ऐसे स्टूडेंट्स मिलवाएंगे जो अपने टाइम पर बहुत ही शानदार रहे, और NIT त्रिची से उन्होंने MCA किया हुआ है और आज जॉब कर रहे हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन, अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन खुद से देंगे। संगीत, मैं संगीत कुमार, मैंने MCA 2013 से 2016 बैच में कंप्लीट किया था और मेरी जॉब एक्सपीरियंस करंटली 2.5 ईयर्स है। जब भी हम लोग इस टाइप का सेशन लेते हैं तो एक मोटिवेशन या कोई ना कोई स्पेशलिटी को लेके आते हैं। आज संगीत को इंट्रोड्यूस कराने का एक ही रीज़न है कि इन्होंने उस टाइम पर जब एग्ज़ाम दिया था NIMCET का 2013 में, तो 50 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, आपको पता ही होगा। 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 47 क्वेश्चंस के सही थे। तो शायद इस बात को लेके थोड़ा सा आप एकदम, ये बात बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग है और मुझे भी लगती है। ये शुरुआत का बैच था और जब इन्होंने बाद में बुकलेट मैच कराई और बताया तो मैं शॉक्ड रह गया था कि 48 में 47 क्वेश्चन सही करना। एक क्वेश्चन थोड़ी सी स्लाइटली कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से इनका गड़बड़ हुआ, अदरवाइज 48 आउट ऑफ 48 हो जाते। तो उसका कैलकुलेशन, टोटल नंबर कितने बने हैं, बाकी बातें बाद में होंगी कि कंप्यूटर इंग्लिश और रीजनिंग में कितना किया था इन्होंने। पहले ही बात पूछते हैं कि ये कैसे मिरेकल किया। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की तो मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँगा MCA के लिए। तो मुझे कोचिंग का ज्वाइन करने के बाद मुझे कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम पता पड़े, तो उसमें सबसे अच्छा NIT त्रिची पता पड़ा। तो मैंने उसके हिसाब से जो पेपर सेट आता था उस हिसाब से तैयारी स्टार्ट की, अपने टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से किया, कितने नंबर में कितने समय में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और सही जाना चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन रखी। जैसा कि संगीत ने बताया कि NIMCET के पैटर्न को मैंने देखा और प्रैक्टिस सेट लगाए, तो संगीत से ही मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, जैसा कि आपकी अंदर क्यूरियोसिटी भी होगी कि प्रैक्टिस सेट तो सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं मॉडल टेस्ट लगाते ही हैं, तो ऐसा क्या स्पेशलिटी, ऐसी क्या कुछ अलग करा कि मतलब 48 से 47 क्वेश्चन सही हो गए। तो संगीत से जानेंगे कि कुछ खास किया, कुछ अलग किया, दूसरों से बेहतर किया, मॉडल टेस्ट के अलावा अभी कुछ अलग ध्यान रखा। संगीत बताएंगे। मॉडल टेस्ट तो सारे लोग ही लगाते हैं, सो मैंने पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं मॉडल टेस्ट लगाने के बाद उसका स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब कितना समय मैंने लिया है पे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बाद में एनालिसिस करता था एंड डे बाई डे उसे इम्प्रूव करता था। सो मेन फोकस रहता था स्पीड एंड एक्यूरेसी हमेशा बेहतर रहे पहले से। होप सो जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी रहता है कि मुझे भी टॉपर बनना है, मुझे भी NIT त्रिची पाना है, मुझे भी 15 या अंडर टॉप 10 लाना है। तो संगीत से पूरा एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग में भी कितने मार्क्स या कितने क्वेश्चंस किए थे और टोटल मार्क्स कितने आए। तो रीजनिंग मैंने अराउंड 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 4 गलत थे वो और रिमेनिंग सही थे। एंड कंप्यूटर मैंने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 6 सही थे, और इंग्लिश में मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, बट आई होप आप लोग कर सकते हैं। तो अभी सारे क्वेश्चंस के बारे में आइडिया मिल गया कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस किए इन्होंने। अब एक रफ आइडिया लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितने इन्होंने गेन किए थे NIMCET में। बताते चलें कि NIMCET 1000 का टोटल होता है और उसी के अकॉर्डिंग रैंक बनती है, तो मार्क्स से हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम कितना बेंच मार्क सेट करें। और इनकी 15 रैंक्स थी NIMCET में। NIT त्रिची पाने के लिए 15 या टॉप 10 के लिए एक आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, जिससे कि आप बार बार जो पूछते रहते हैं कि कितने क्वेश्चंस किए जाएं, कितने टोटल लाए जाएं, बट थोड़ा वैरी करता है पेपर टू पेपर, बड़े ग्राफ आइडिया मिलता है। संगीत से पूछेंगे उनके टोटल के बारे में। सो NIMCET 2013 में मेरा टोटल 691 था। प्रिपरेशन के बहुत सारे एंगल होते हैं, ये आप जानते होंगे, बट NIMCET के लिए एक अच्छी सफलता पाने के लिए संगीत का भी कुछ एक अलग तरीका रहा होगा, कुछ डिफरेंट इन्होंने अपनाया होगा। तो संगीत के टर्म में सिलेक्शंस को कैसे देखा जाता है, तो संगीत से पूछते हैं कि आपने क्या प्रॉपर प्लानिंग बनाई थी, क्या अप्रोच आपकी थी, जैसे कि आप एश्योर हुए NIT त्रिची के लिए। जानते हैं संगीत से। स्टार्टिंग में जब कोचिंग ज्वाइन की तो फोकस यही था कि मतलब अच्छा मीन्स रैंक लानी है पेपर में, वट एवर मीन्स टेस्ट में। तो स्टार्टिंग में रैंक उतनी अच्छी नहीं आती थी, अंडर 20, नॉट लेस देन 10 आती थी नॉर्मली, बट मैं करता रहता था कंटिन्यूस। लेकिन नवंबर दिसंबर के बाद कंटिन्यूस फ्लो बनता रहा और कॉन्फिडेंस थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, तो बाद में रैंक भी अच्छी आने लगी। और मेरा एट द एंड फोकस ये था एक अच्छा MCA कॉलेज लेना है, सो एट द एंड इतना अच्छा हो गया कि NIT तिरछी मिल गया। जब भी हम लोग सेशन लेते हैं तो हमेशा NIMCET को फोकस करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो MCA की तैयारी कर रहे हैं, जो BHU, JNU ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट पे टारगेट करते हैं, तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं। उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संगीत एक ऐसे एग्जाम्पल है
इन्होंने 5 एग्ज़ाम दिए और सभी में टॉप 10 या किसी में फर्स्ट रैंक भी लिए। तो संगीत से पूछेंगे कि ऐसे डायनेमिकली कैसे इन्होंने क्या अप्रोच रही कि सारे एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाएं। सो मैंने टोटल 5 एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे एमसीए के लिए। उसमें यूपी यूपीटीयू, उसमें 1 रैंक आई थी, फर्स्ट रैंक आई थी। फिर बीएचयू, उसमें 7th रैंक थी। फिर एससीयू, उसमें 14th रैंक थी। फिर नेमसेट, उसमें 15th रैंक थी। और जेएनयू में फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन था। सो की ऑफ सक्सेस आई विल टेल, मतलब कि यही कहूँगा कि स्पीड एंड एक्यूरेसी ने हमेशा हर एग्ज़ाम में साथ दिया है उसका। फाइनली लास्ट में संगीत को बेस्ट विशेस बैंगलोर से यहाँ पर आने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। संगीत एक बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं, अभी भी मैं मिस करता हूँ। 2000 की जर्नी, मावला क्लासेस ने जो माइलस्टोन क्रिएट किया था उनमें संगीत का रैंक और उनके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा अभी भी एक माइलस्टोन है। संगीत ने UP2 में जो 2 आवर्स का पेपर होता है तो 40 मिनट्स पहले ही पेपर को सबमिट कर दिया था, फर्स्ट रैंक अचीव की थी। तो ये ऐसे मोटिवेटर हैं और इनका सेशन जिन्होंने भी अटेंड किया है तो ध्यान रखें, 2 ही की फैक्टर उन्होंने बताया, स्पीड एंड एक्यूरेसी। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, यही एक सक्सेस के मंत्र हैं। हर एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में इन्होंने अच्छी सफलता पाई, जैसा कि बताया भी है। MCA बहुत अच्छी जगह से किया, NIT Trichy, जिसका ड्रीम होता है सभी को, और अच्छी जगह से बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं। टारगेट कॉरपोरेशन एक अच्छी कंपनी है। संगीत को मावला क्लासेस की तरफ से, यहाँ की सारी फैकल्टी और सारे बच्चों की तरफ से, आपकी तरफ से भी बेस्ट विशेस। एक और निरंतर अच्छा करते रहें। संगीत की एक खासियत है कि जब भी हर साल में रेगुलर मावला क्लासेस विजिट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। इस बार संगीत थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे, तो बोल रहे थे कि नहीं, तो एक जुड़ाव मावला क्लासेस का हमारा आपसे भी बन गया है। तो संगीत को हमने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है, संगीत भी हमारी बातों को ऐसा नहीं है साथ देते हैं और पूरा पूरा आपके साथ भी ये साथ देंगे। आप कितना मोटिवेट हुए, क्या बातें अच्छी लगी। और हमने बताया भी है कि जो पहली बार कैमरा फेस करता है तो थोड़ा सा एजिटेट होता है, ये हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है। अभी भी मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ, पर लास्ट में आप ज़रूर फीडबैक दें और कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और ब्लेसिंग्स संगीत को भी दें और आप खुद भी मोटिवेट हों। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में किसी ऐसे ही स्टूडेंट से मिलवाएंगे। धन्यवाद।